हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। और यहां पर हमने बूलियन के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोग्राम लिखा है और ये एंडलेस जो है ये खत्म कभी ना खत्म होने वाला ऐसा प्रोग्राम है जो चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा, उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पे लगा हुआ है व्हाइल लूप, और अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो यही प्रिंट किया जाए, बार बार प्रिंट किया जाए, क्योंकि यहां पर हमने कोई ब्रेक कीवर्ड भी नहीं लगाया है। तो अभी हम करने वाले हैं इसको रन, तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं ये इंडिया कॉन्टिन्यूअसली प्रिंट करता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, देख सकते हैं कि नहीं, यहां पर लगातार इंडिया ही प्रिंट हो रहा है। ये प्रोग्राम नेवर द एंडिंग प्रोग्राम बन गया है हमारा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था इसके पीछे, कि यहां पर वाइल ट्रू, अगर ये ट्रू है ठीक है, और यहां पे प्रिंट करवा दीजिए इंडिया, यहां पर कोई अलग से कुछ चीजें दी नहीं गई है, डायरेक्टली यही लिखा गया है, इसी वजह से ये ऐसा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और प्रोग्राम देखते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं एन की वैल्यू रखी गई है 5, यानी एन में इनिशियलाइज किया गया है 5, और व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0, यानी एन की वैल्यू 0 से ग्रेटर रहेगी, ऐसे में आप करवाइए डिक्रीमेंट। भैया डिक्रीमेंट हो रहा है, एन माइनस 1 इज इक्वल टू डिक्रीमेंट, मतलब कि ये डिक्रीमेंट करवाया जा रहा है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है 5 है, तो फिर ये डिक्रीमेंट करवाया जाएगा। तो ये कहां तक प्रिंट होंगी चीजें, तो पहले तो आप इसको रन करवा लेते हैं, आइए इसको रन करवाते हैं। यहां से रन करवाया हमने, तो जैसे ही रन करवाया तो आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे n माइनस यानी कि डिक्रीमेंट करवाया जा रहा है। तो ये बताइए कि पहले तो n 5 रखी गई है वैल्यू, और एक डिक्रीमेंट होगी तो 4 हो जाएगी, एक डिक्रीमेंट होगी 3 होगी, एक डिक्रीमेंट होगी 2 होगी, फिर एक डिक्रीमेंट होगी 1 होगी, और एट लास्ट 0 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का ये प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। व्हाइल लूप समझ में आ रहा है ना।